वेलकम। शुक्रिया। खुद से बदबू आ रही है, फ्रेश होने आया हूं। तुम कल रात नहीं आए सैफी? हाँ, कुछ गड़बड़ हो गई थी, किसी को मार दिया गया। बोलो। मैं कैप्टन सैफी से मिलने आई हूँ, बाहर उनकी कार देखी तो सोचा। आप? मैं उनकी वाइफ हूँ। मुयस्सर? हाँ। आप बहुत खूबसूरत हैं। शुक्रिया। आपका नाम? दिलारा। मुझे इनसे पुलिस स्टेशन पर मिलना था। प्लीज अंदर आइए। शायद आपने भी सुना होगा, पिछले कुछ महीनों से शहर में कुछ हादसे हो रहे हैं, उसी सिलसिले में इन्हें मेरा बयान चाहिए था। मैंने इन्हें फोन किया था पर इन्होंने जवाब नहीं दिया, और मैं कल शहर से बाहर जा रही हूँ। इज़मिर बहुत खूबसूरत होता है इन दिनों, तो मैं चाहती थी कि अपना काम खत्म करके जाऊँ। मुझे लगा कहीं ये मुझे ढूंढने ना निकल पड़े। और यहाँ आने से आपसे भी मुलाकात हो गई। सब बहुत शांत और खूबसूरत कहते हैं आपको, वाकई सब सच कहते हैं। किसने कही ये बातें मेरे बारे में? मैं तो खुद को खूबसूरत या शांत नहीं मानती। अंगारा के बाद तो यहाँ रहना मुश्किल लगता होगा। बुरा मत मानेगा मेरी बात का। लोगों को बाकी की जगहें जन्नत लगती हैं और बाकी के लोग भी किस्मत वाले लगते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सैफी ने खुद को जल्दी ढाल लिया। आज़ाद होना कैसा लगा? आज़ाद होना मतलब? सुना कि आप लोग तलाक ले रहे हैं। वैसे कैप्टन सैफी तो इस बारे में नहीं बताते, पर पता चल गया। आजाद होना अच्छी बात है। गुड लक। मैंने फोन किया था, आपने जवाब नहीं दिया था। लोगों को अपने पीछे भगाना आपको अच्छा लगता है शायद। माफ करना मुझे, मैं आता हूं अभी 2 मिनट में। पर मुझे खुशी है यहां आने पर इनसे मुलाकात हो गई। हम साथ ही चलते हैं तो पुलिस स्टेशन वाला काम भी खत्म हो जाएगा। तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है क्या? ये सब करके क्या करना चाहती हो तुम? तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती हो, समझी? और आगे से दोबारा ऐसा कुछ करने की कोशिश भी मत करना। मुझे मार दो सैफी, तुम्हारे बिना जीकर क्या करूंगी। अरे हेलो चीफ, कैसे हैं आप? औरत कौन है सैफी? वो बस थोड़ी सी सिरफिरी है। इसे घर का पता कैसे मिला? मेरे पीछे पीछे आई,
क्यों? वो खुद को इस शहर की मालकिन समझती है और हत्याओं का कोई ना कोई सुराग इस तक पहुंच ही जाता है। इसके पास बहुत ज्यादा ताकत है और ये लड़की मुझे भी गुलाम बनाना चाहती है। और कुछ सुनना है तुम्हें? बाद में बात करता हूँ तुमसे।